तो दोस्तों अभी अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन दिखा है जो कि है होंडा डियो के बारे में, और अभी के डेट में होंडा डियो के भी अंदर एक न्यू अपडेट देखने को मिल चुका है। और वैसे ये जो न्यू अपडेट है ना, तो इसके अंदर एज स्मार्ट वाला जो फीचर है, मतलब कि जो हमारे इधर जो होंडा एक्टिवा के अंदर देखने को मिलता है, होंडा एक्टिवा एज स्मार्ट, तो वो जो एज स्मार्ट वाला जो फीचर है ना, तो वो एज स्मार्ट वाला फीचर अभी होंडा डियो के भी अंदर दे दिया गया है। और वो होंडा डियो जो एज स्मार्ट वाला है ना, तो वो अभी पिपेलिन वाला जो एक देश है, तो उसके अंदर अभी लॉन्च भी कर दिया गया है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना, क्योंकि आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग होंडा डियो 8 स्मार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने देखने को मिला है जो कि है होंडा डियो के ही बारे में। और अभी के डेट में ये जो होंडा डियो वाला जो स्कूटर है ना, तो इसके अंदर अभी के डेट में देखा गया है कि एक न्यू अपडेट दिया गया है होंडा कंपनी की तरफ से। और ये जो न्यू अपडेट दिया गया है ना, तो ये न्यू अपडेट के अंदर होंडा डियो जो है, तो ये अभी थोड़ा सा और ज्यादा स्मार्ट अभी हो चुका है। मतलब कि होंडा डियो जो है ना, तो उसके अंदर अभी जो होंडा कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो वो है होंडा का 8 स्मार्ट वाला अपडेट। और ये जो 8 स्मार्ट वाला अपडेट है ना, तो इसके अंदर वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो एज स्मार्ट वाला जो फीचर है, तो ये भी इसी इंडियन मार्केट में होंडा कंपनी की तरफ से एक्टिवा के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है अभी के डेट में। और ये जो एज स्मार्ट वाला जो फीचर है ना, तो इसके बारे में भी कुछ कुछ लोग शायद से आप लोग जानते होंगे जो कि वीडियो देख रहे हो मेरा और काफी सारे लोगों का, तो जो भी है। लेकिन है ये जो एज स्मार्ट वाला फीचर है ना, जिन लोग नहीं जानते हो तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये एज स्मार्ट वाला जो फीचर है, तो इसके मदद से लॉक अनलॉक जो है, मतलब कीलेस वाला जो सिस्टम है, मतलब कि हाथ में एक रिमोट टाइप का कुछ रहता है, इसके मदद से आप अपने स्कूटर को कीलेस लॉक अनलॉक जो है, तो वो भी कर सकते हो। और उसके ही साथ साथ ये जो स्कूटर का जो फ्यूल कैप जो है, तो उसको भी कीलेस जो है, तो वो भी मतलब अनलॉक जो है, तो वो कर सकते हो। और उसके ही साथ साथ ये जो स्कूटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है ना, ये जो पार्किंग लाइट, तो वो भी वो कीलेस जो है, तो वो जला सकते हो। मतलब वो अलर्ट नोटिफिकेशन वाला कुछ ऐसा सीन है, मतलब अलर्ट लाइट जो है, तो वो कुछ होता है। और उसके ही साथ साथ एक और भी चीज होता है, जो कि है ये जो स्कूटर का जो बूट स्पेस है ना, तो वो भी कीलेस जो है, तो वो आप लोग अनलॉक कर सकते हो। मतलब ये सारा कुछ जो फीचर्स है, तो वो आप लोग यूज कर सकते हो वो कीलेस ही। तो यही है 8 स्मार्ट। और वैसे भी ये जो डियो है ना, तो ये डियो वाले स्कूटर के अंदर अभी के रेट में देखने को मिल रहा है ये सारा कुछ चीजें। और उसके ही साथ साथ जो अलॉय व्हील्स है, तो वो भी अभी ये डियो के अंदर दे दिया गया है, जो कि पिपेलिन वाला जो देश है, तो उसके अंदर लॉन्च किया गया है। और उसके ही साथ साथ दोस्तों ये जो होंडा डियो जो 8 स्मार्ट वाला स्कूटर है, तो इसके अंदर आपको पहले से ही बहुत सारे कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। और कुल मिला के जो फीचर्स अभी जो है ना, तो उसके अंदर ये तो कीलेस लॉक अनलॉक वाला तो सिस्टम है ही। और उसके ही साथ साथ दोस्तों ये जो होंडा डियो 8 स्मार्ट वाला जो स्कूटर है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये जो कीलेस जो हैंडल लॉक वाला जो सिस्टम है ना, तो ये सारा कुछ चीजें भी देखने को मिलता है। और इसके ही साथ साथ दोस्तों ऐसा कुछ और न्यू अपडेट देखने को नहीं मिला है, मतलब कि पहले की तरह ही जो DRL से लेके टेल लाइट तक जो LED का जो सेटअप है, तो वो कुछ दिया गया है ये लाइट्स के सेटअप में डियो के अंदर। और उसके ही साथ साथ ये जो डियो का जो इंजन है ना, तो ये भी एक 110cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 8 BHP। ये वाला स्कूटर जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 9 Nm। और इसके ही साथ साथ ये जो मोटर ट्रांसमिशन है, तो वो कुछ देखने को मिलता है। और उसके ही साथ साथ ये वाला जो स्कूटर है ना, तो इसके भी अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम में जो है, तो वो ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ ये जो स्कूटर है ना डियो वाला, तो हमारे इधर इंडिया में जो मिलता है, तो इसके अंदर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सिस्टम है, तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखो होंडा डियो 8 स्मार्ट वाले स्कूटर के अंदर ना, इसके अलावा और ऐसा कुछ भी अपडेट्स देखने को नहीं मिल रहा है होंडा कंपनी की तरफ से दिया हुआ। तो इसी वजह से फालतू में मीटर कंसोल और ये जो सस्पेंशन सेटअप है, तो ये बोल के इसी वीडियो को और ज्यादा लंबा करने का उतना कुछ भाई जरूरत नहीं लग रहा है मुझे, तो इसी वजह से और ज्यादा बोल के इसी वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कॉमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।